करनाल के नया बाजार राम गली के समीप एक मकान की छत पर देसी कट्टा मिलने से आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। इस घटना से वहां के निवासियों में भय का माहौल व्याप्त है। मौके पर पहुंची पुलिस ने देसी कट्टे को अपने कब्जे में लिया एवं मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी। जांच अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें सूचना दी गई थी कि नया बाजार राम गली के समीप एक मकान की छत पर देसी कट्टा पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के लोगों से पूछताछ कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी। मौके पर वार्ड के एमसी युद्धवीर सैनी भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि कोई यूपी हैंडमेड टाइप देसी कट्टा छत से बरामद हुआ है, जिसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस ने कट्टे को कब्जे में लेकर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि संदिग्ध परिस्थितियों में मिले देसी कट्टे से अभी तक कोई भी बात स्पष्ट नहीं हो पाई है कि यह कहां से आया है, जो जांच का विषय है। आगे की कार्यवाही के लिए पुलिस द्वारा देसी कट्टे को कब्जे में लेकर एवं पूछताछ कर कार्यवाही शुरू कर दी गई है। देखिए एक रिपोर्ट। आपसे बता रहा हूँ जी, मैं अपने लड़के को छोड़ने वास्ते जा रहा था जी। साइकिल उठाई, अपना उस पर अपना बैग वगैरह रखा और अपना बाथरूम के पास पास पहुँचा। जो जाकर तरपाल से सिद्धि करने गए तो देखा ये पिस्टल मिली मेरे को। कहाँ पर मिली आपको? छत के ऊपर। ये दोबे मोहल्ला। उसके बाद आपने क्या करा? जाकर अपना मोहल्ले वाले को सारों को इकट्ठा किया और उसके बाद फिर मैं पुलिस में ये चला दी। किस समय की बात है ये? बाजी पहले मैं बोला इनको, ये बोला इधर आओ, मैं चली गई। ये बोला देखो यहाँ क्या सामान रखा है, ये देखो। मैं बोली इसका हाथ ना लगाओ और भी दो चार आदमी इकट्ठे कर लो मोहल्ले के, बस ये सारे इकट्ठे करके फोटो वगैरह खींची है। अरे ये बुलाई है जी सब ना, हमने दोनों ने इसने देखा फिर मैं बुलाई इसको। मैंने क्या अभी इसका जिनके पास लड़के काफी लड़के आ जाते हैं बाहर के, तो जांच कर रहे हैं अभी, देखते हैं किसका क्या है। जैसा आगे कार्रवाई होगी अमल बुलाई गई। तो यहाँ पे कोई मिला अभी? कुछ नहीं है अभी, कोई कुछ नहीं मिला अभी। जांच जो किराएदार रहते हैं वो कहाँ सर? अभी कमरे के अंदर कोई नहीं है, उनको बुला के पूछताछ करेंगे उनसे। तो आगे क्या कार्रवाई करने वाले हैं? कार्रवाई करेंगे। क्या कार्रवाई रहेगी आपकी? जो FIR दर्ज करेंगे उसके ऊपर। क्षेत्र पड़ता है नया बाजार में, यहाँ पे कुछ लोगों द्वारा मेरे मैसेज आया था भी, यहाँ ऐसे देसी कट्टा पड़ा है किसी छत पे। आप देखो वो के आगे मैंने तुरंत हमारा थाना लगता है सारा थाना शहर में सूचना दी। जो जांच अधिकारी पुलिस अधिकारी यहाँ मौके पे आए, उन्होंने जाँच किया, कट्टा चेक करा और एक दो मकानों की तलाशी ली। उसमें जो भी दोषी होगी उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, अभी जाँच जारी है। तो कोई वारदात जो सुनने में आई? नहीं, अभी ऐसी कोई वारदात सुनने में नहीं आई है। अभी तो सिर्फ ये कट्टा बरामद हुआ है और पुलिस अधिकारियों ने चेकिंग करी है घरों की। जो भी होगा, अब जो भी मकान मालिक है, जो भी किराएदार है, उससे पूछताछ करेंगे, जो भी सामने हो तुरंत आपको बता दिया जाएगा। तो सर इतनी बड़ी वारदात हो गई है, कल जैसे हमारे दुष्यंत चौटाला जी भी यहाँ पर आए थे, कुछ वारदात भी हो सकती थी? हो सकती है। इतना तो पता क्या जी, आप मेरी बात सुनो, किसी के दिल में जाके तो देखना कौन क्या वारदात। अब कोई व्यक्ति यहाँ रख के, क्या पता कौन क्या रख के गया। अब ये तो एक देसी रिवॉल्वर है, यूपी बना, हैंडमेड बना कट्टा है। अब ये रखा था, अभी रात को क्या पता कौन क्या रखा है इसमें। ठीक है, पुलिस अपना काम कर रही है और अब आगे जो भी होगा इंक्वायरी करेंगे। जो भी किराएदार है उनसे पूछता जाएगा। जो लोगों द्वारा बताया गया या कॉलोनी द्वारा भी कुछ अज्ञात लोग यहाँ आते हैं, उनके बारे में जाँच की जाएगी। JBD banquets lie hai incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden, world class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting, a perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD banquets enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।